लास्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज 3। एक रेक्टेंगल का एरिया रिड्यूस हो जाता है, मीन टू से कम हो जाता है, कितना 9। अगर लेंथ को रिड्यूस कम किया जाए 5 से और ब्रेथ को इंक्रीज किया जाए 3 से, इफ इंक्रीज द लेंथ को इंक्रीज कर दें 3 एंड ब्रेथ को 2 से, दोनों इंक्रीज किए गए हैं, इफ इंक्रीज लेंथ बाय 3 एंड ब्रेथ इज 2, इंक्रीज हो जाता है एरिया 67। फाइंड द डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। हियर देखिए, ये आपको एक रेक्टेंगल है यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है, लेट एक्स बी दी लेंथ एंड वाई बी दी ब्रेथ, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, देन एक्स वाई बी दी एरिया। तो आपको पता है अगर लेंथ हमारी क्या है x, ब्रेथ क्या है y, तो एरिया क्या होगा हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू एक्स वाई, यहां से आया ये। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे नाउ इन फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लाइन आप राइट कीजिएगा, एरिया डिडक्ट हो जाता है 9 से, लेंथ को रिड्यूस किया जाए 5 से, यहाँ पे लेंथ इन्होंने कहा अगर लेंथ को रिड्यूस कर दिया जाता है, लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, सॉरी राइट करना ही पड़ेगा, राइट कीजिए, एरिया गेट रिड्यूस बाय 9 इफ लेंथ रिड्यूस बाय, आप अच्छे से लिखिएगा भाई कंप्लीट वर्डिंग में, रिड्यूस बाय 5 एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, ठीक है। इन्होंने कहा है अगर हम क्या करें, लेंथ को रिड्यूस कर दे 5 से, यानी 5 कम कर दिया है मैंने लेंथ को, मल्टीप्लाई में ब्रेथ को क्या इंक्रीज कर दें, कितना 3 से, इंक्रीज मतलब वाई प्लस 3। अब जो न्यू लेंथ है हमारी ये है, न्यू विड्थ है वो ये है, तो न्यू एरिया क्या होता है, एरिया हमारा क्या है एक्स वाई, वो 9 कम हो जाता है। फॉर्मूला देखिए यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई वाई, एरिया हमारा क्या है एक्स वाई, एरिया हमारा यहाँ पे क्या था एक्स वाई, यानी एक्स मल्टीप्लाई में वाई, ऐसे निकालते हैं एक्स वाई एरिया, एरिया 9 कम हो जाता है, न्यू एरिया क्या हो गया 9 लेस हो गया, अगर लेंथ हमारी क्या थी 5 कम थी और हमारे विड्थ क्या थी, इसको हमने इंक्रीज किया था 3 से, तो जैसे यहाँ पे एक्स वाई की मल्टीप्लाई करने से एरिया बन गया था, सिमिलरली न्यू लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला एरिया मल्टीप्लाई कीजिए एक्स वाई की, मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, चलो देख ही लो आप एक बार, एक्स की वाई से फिर माइनस में 5y, फिर प्लस में 3x और माइनस में 15, हेयर क्या है एक्स वाई माइनस में 9, बोथ साइड से एक्स वाई कैंसल आउट, तो यहाँ पे क्या है 3x माइनस में 5y, 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू 15, इधर आएगा पॉजिटिव माइनस में 9, तो ये कितना रह गया 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 5y, आप इसको रिवराइट भी कर सकते हो, माइनस 5y इज इक्वल टू 6 विच इज फर्स्ट। अगेन सेकंड कंडीशन आप यहाँ पे लिखिएगा, अगर इंक्रीज कर दिया जाए लेंथ इंक्रीज बाय 3 एंड विड्थ या ब्रेथ कह सकते हो इंक्रीज बाय 2, देन एरिया विल बी इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो जाता है एरिया 67। एरिया क्या था एक्स वाई इंक्रीज हो गया तो प्लस करोगे, वन लेंथ को कितना इंक्रीज किया जाता है लेंथ मीन टू से एक्स, कितना प्लस 3 मल्टीप्लाई में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है ना भाई रेक्टेंगल का एरिया, और अब की बार ब्रेथ को भी क्या किया गया है इंक्रीज, तो मल्टीप्लाई कीजिए एक्स की वाई से एक्स वाई प्लस में फिर 3 की वाई से 3 वाई फिर
टू एक्स, फिर थ्री टू जा सिक्स, मल्टीप्लाई किया मैंने एक्स वाई कैंसल आउट, हेयर इज टू एक्स प्लस में थ्री वाई, सिक्स इधर आएगा तो नेगेटिव, रिवराइट करोगे टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 61, विच इज ओवर सेकंड। हेयर स्टूडेंट कोई भी कोफिशियंट हमारा सेम नहीं है, सो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय टू एंड इक्वेशन टू बाय थ्री। तो इक्वेशन वन की मैं टू से मल्टीप्लाई करती हूँ, टू थ्री जा फाइव, टू जा सिक्स, टू जा ट्वेल्व, टू थ्री जा फाइव, टू जा सिक्स, टू जा ट्वेल्व, विच इज ओवर थर्ड। एंड इसकी मैं थ्री से करती हूँ, थ्री टू जा थ्री, थ्री जा और थ्री वन जा थ्री, थ्री सिक्स जा एटीन, विच इज ओवर फोर्थ। नाउ बाय सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सेम साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव कैंसल, माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा 171, कैंसल आउट y विल बी 199 जा, ठीक है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट हमारी क्या है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, 3x माइनस में y की जगह पे मैंने क्या पुट किया 9 इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 6, 3x 45 विल बी पॉजिटिव विच इज 51, 3x, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 71। नाउ ब्रेथ इज 9, लिखोगे यहाँ पे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 9 एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 17।